2008 में आई फिल्म रॉक ऑन का सीक्वल फिल्म रॉक ऑन 2 फाइनली आज रिलीज हो चुका है। इस बार इस फिल्म में फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली के साथ साथ जो नया नाम शामिल हुआ है वो है बागी गर्ल श्रद्धा कपूर और शशांक अरोड़ा का। अब देखते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद मुंबई की ऑडियंस का क्या कहना है। अच्छी मूवी है, श्रद्धा कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है, फरहान अख्तर ने अच्छी एक्टिंग की है, अच्छी लगी, सॉन्ग्स अच्छे है, दो तीन अच्छी मूवी। रॉक ऑन 2 के मुकाबले ये रॉक ऑन 2 कैसी थी? ठीक थी, पहले वाले के गाने और ज्यादा बेहतर थे, इसके भी अच्छे हैं, पर अच्छी मूवी है। फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर ने मस्त एक्टिंग की है, मेरी फेवरेट एक्चुअली, और फरहान अख्तर ने भी अच्छी एक्टिंग है, अर्जुन रामपाल भी बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं मूवी में। इट वाज अमेजिंग मूवी, स्क्रिप्ट वाज गुड एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरी एक्ट्रेस वाज ग्रेट। फरहान अख्तर एक्टिंग एंड सिंगिंग बोथ वर ग्रेट। श्रद्धा वाज ओके बट फरहान डिड वेरी वेल। अच्छी थी, इट वाज गुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इट वाज रियली गुड। सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रॉक ऑन, उसके मुकाबले I would be a big bias, but I think first one, मुझे personally I would prefer that. I prefer Rock On 1 better. Rock On 1 is better. Yes. And what about the music? I like the video of the second Rock On 2. The release the title song with a particular way of the music they've released it. I like the video more than the song. Okay. And what about the acting of Shraddha Kapoor? Acting is good enough. I like the way she looks though. And I like the character. Farhan Akhtar is always good. अब देखते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने फिल्म को कितने स्टार्स दिए हैं। I think I'll be going for 3.5. That would be a justice. श्रद्धा कपूर की वजह से मैं इसे कुछ भी ना दूँ, लेकिन फरहान अख्तर की वजह से I can give 2.5. Probably be 1.5 or 2. 4. 3.5. शुजात सौदागर द्वारा निर्देशित की गई इस फिल्म में प्राची देसाई भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। Honest Report.